कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना, कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा।